दो बालिगों के बीच समलैंगिक संबंध को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या कहा है? देश में दो बालिगों के बीच समलैंगिक संबंध अब अपराध नहीं है। जी हां, समलैंगिकता पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दो बालिगों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाली धारा 377 के प्रावधान को खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को मनमाना करार देते हुए व्यक्तिगत चॉइस को सम्मान देने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद LGBT समुदाय के लोग खुशी मना रहे हैं। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने अपने फैसले में कहा कि एकांत में सहमति से बने सेक्स संबंध अपराध नहीं है। हालांकि धारा 377 के तहत पशु से अननेचुरल संबंध बनाना अपराध बना रहेगा। कोर्ट ने कहा कि हर किसी को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है। फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं जैसा हूं उसे वैसा ही स्वीकार किया जाए। अभिव्यक्ति और अपने बारे में फैसला लेने का अधिकार सबको है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा कि सेक्सुअल रुझान प्राकृतिक है, इस आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को गरिमा से जीने का हक है, निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। 377 इसका हनन करता है। किसी भी सामान्य व्यक्ति की तरह LGBT कम्युनिटी के लोगों को भी उतने ही अधिकार है। एक दूसरे के अधिकारों को सम्मान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2013 को सुनाए गए अपने ही फैसले को पलट दिया है। इस मामले की सुनवाई 10 जुलाई को शुरू हुई थी और 17 जुलाई को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि IPC की धारा 377 के मुताबिक कोई किसी पुरुष, स्त्री या पशु से प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ संबंध बनाता है तो यह अपराध होगा। इस अपराध के खिलाफ उसे उम्र कैद या 10 साल तक की कैद के साथ आर्थिक दंड का भी भागी होना पड़ेगा। सीधे शब्दों में कहें तो धारा 377 के मुताबिक अगर दो एडल्ट आपसी सहमति से भी समलैंगिक संबंध बनाते हैं तो वो अपराध होगा। लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद दो एडल्ट आपसी सहमति से संबंध बना सकते हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।